जय हिंद साथियों। तो फ्रेंड्स फाइनली आप सभी के लिए एक और वैकेंसी जारी कर दी गई है जो कि इसरो की तरफ से। तो फ्रेंड्स फाइनली यदि आप 10+2 पास आउट है तो आप सभी के लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो चलिए फ्रेंड्स आप सभी को हम पूरे डिटेल्स में बताते हैं कि जो इसरो में जो वैकेंसी जारी की गई है इसका सिलेक्शन प्रोसेस, एज लिमिट, क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है। तो फ्रेंड्स आप सभी वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, आप सभी के लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए आप सभी को हम बताते हैं फ्रेंड्स कि जो इसरो की तरफ से जो वैकेंसी जारी की गई है इसका किस पोस्ट के लिए जारी की गई है, इसमें सिलेक्शन लेने के लिए आप सभी को कौन कौन से स्टेज से जो है गुजरना होगा। तो फ्रेंड्स फाइनली आप लोग यहां पर देख सकते हैं कि इसरो एक अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत आता है जो कि भारत सरकार, यानी कि आप सभी को हम बताते हैं कि डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का फुल फॉर्म होता है, ठीक है, यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं इसमें जो वैकेंसी जारी की गई, आप लोग यहाँ पे सहायक कनिष्ठ व्यक्ति, सहायक प्रम श्रेणी लिपिक तथा असुलिपिक की भर्ती ये जो है जारी की गई है। तो आप लोग यहाँ नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे जो है पदों का विवरण दिया गया, ठीक है, यहाँ पे जो भी वैकेंसी है, कितनी पोस्ट है, किस पोस्ट के लिए है, टोटल यहाँ पर डिटेल्स दिया गया है। यदि आप मेरे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हुए हैं तो फाइनली डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, आप लोग वहां से ज्वाइन करके पीडीएफ जो डाउनलोड कर सकते हैं एंड रीड आउट खुद से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो फाइनली आप लोग यहां पर देख सकते हैं ये पोस्ट जो है सहायक असिस्टेंट के लिए, जो कि टोटल वैकेंसी यहां पर भूतपूर्व सैनिक के लिए 2 रखा गया है, एज के लिए 1 वैकेंसी है और यहाँ पे ओएच के लिए 1 वैकेंसी है। टोटल यहाँ पे कुल वैकेंसी 26 रखा गया है और यहाँ पे जो भी ऑन रिजर्व ओबीसी एससी एसटी कैंडिडेट आते हैं उन सभी के लिए यहाँ पे कैटेगरी वाइज वैकेंसी जो है दिया गया है, ठीक है। तो फाइनली आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप लोग यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे तो जो भी मतलब जोन है, ठीक है, जोन के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है वैकेंसी जारी की गई है। अहमदाबाद में इस कैटेगरी के लिए इतना वैकेंसी आप लोग देख सकते हैं और बेंगलुरु में इतना वैकेंसी है, ठीक है। तो फाइनली आप लोग यहाँ पे अपना चेकआउट कर सकते हैं। नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे आप सभी को देखने को मिल जाएगा बेंगलुरु का, ठीक है, बेंगलुरु में यहाँ पे आप सभी को हैदराबाद, श्री हरिकोटा, तिरुवनंतपुरम, यहाँ पे स्टेट वाइज जोन वाइज यहाँ पे वैकेंसी जो है दी गई है, किस जोन में कितना पोस्ट खाली है, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग आप लोग अपना यहाँ पे फॉर्म अप्लाई करते समय चूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जूनियर पर्सनल असिस्टेंट के लिए वैकेंसी जारी किया गया जो कि अहमदाबाद के यहाँ पे दे रखा है, बेंगलुरु का और हरिश्चंद्र, ठीक है, आप लोग यहाँ पे अपना चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद हैदराबाद, नई दिल्ली, श्री हरिकोटा, मतलब आप सभी को बता दें कि इसरो का जहां जहां भी अपना इंस्टीट्यूट है वहां का ये वैकेंसी जो है जारी किया गया, ठीक है। तो फाइनली जिस पोस्ट के लिए आप लोग फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं वो अपना देख लीजिए कि आपका जो है होम स्टेट है या आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं उसके नजदीकी है, उसी हिसाब से आप लोग अपना फॉर्म को जो है फिलअप करेंगे, ठीक है। नीचे की तरफ आएंगे तो तिरुवनंतपुरम में यहाँ पे कुल पोस्ट यहाँ पे दे रखा है, आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं टोटल पोस्ट जो है मेंशन कर चुके हैं, 76, 34, 22, 8, 14, 153, 27, 7, 2, 1, 15, ठीक है। तो टोटल चीज़ यहाँ पे दे रखा है अपर डिवीजन क्लर्क यूडीसी के लिए, ठीक है, यूडीसी के लिए भी यहाँ पे पोस्ट है जो कि बेंगलुरु में भी है, ठीक है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। टोटल यहाँ पे अवर श्रेणी लिपिक के लिए है अपर डिवीजन क्लर्क और यहाँ पे स्टेनोग्राफर के लिए यानी कि असुलिपिक के लिए है, ठीक है। तो बेंगलुरु और यहाँ पे कुल पद दे रखा है, ठीक है, स्टेट जोन वाइज यहाँ पे वैकेंसी दे रखा है। उसके बाद आई यहाँ पे आप आएंगे फ्रेंड्स तो यहाँ पे आप सभी को देखने को मिल जाएगा अंतरिक्ष विभाग के अधीन स्वायत्त संस्थानों में भरने हेतु सहायक के लिए यहाँ पे पद दिया गया, ठीक है। तो फाइनली आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद नीचे की तरफ आएंगे तो पोस्ट नंबर 6 में आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जूनियर पर्सनल असिस्टेंट के लिए है जो कि आप सभी देख सकते हैं। उसके बाद नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे जो है फ्रेंड्स डिटेल्स दे रखा है कुछ, आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उसके लिए यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। उसके बाद नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता मांग रखा है। तो फ्रेंड्स आप लोग जिस भी पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं आप लोग यहां पे एक बार देख लेंगे तो बेटर होगा, ठीक है। यदि आप असिस्टेंट अपर डिवीजन क्लर्क के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप सभी को देखने को मिल जाएगा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय द्वारा घोषित न्यूनतम 60% अंकों या बिंदु 10 बिंदु पैमाने पर 6.32 CGPA के साथ स्नातक होनी चाहिए, ठीक है। तो फाइनली आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। और यदि आप लोग यहाँ पे जो है फ्रेंड्स असुलिपि पद के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो सेम वही कंडीशन यहाँ पे भी दे रखा है जो कि आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं। यदि आपके पास ये जो है नहीं है आपके पास क्वालिफिकेशन तो और या में ये भी दे रखा है, यदि ये भी आपके पास है जैसे कि यहाँ पे किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय द्वारा घोषित न्यूनतम 60% अंकों के साथ 10 बिंदु पैमाने पर 6.32 के CGPA के साथ वाणिज्य सचिवालय कार्य में डिप्लोमा है तो आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे कंप्यूटर पर कार्य करने में निपुणता आप सभी को होनी चाहिए, जानकारी कंप्यूटर का होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे असुलिपि टंकन के बारे में दे रखा है जो कि आप सभी देख सकते हैं स्टेनोग्राफर के लिए, ठीक है। नीचे की तरफ आप लोग आएंगे तो यहाँ पे अंग्रेजी में 60 शब्द प्रति मिनट आप सभी को होनी चाहिए जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। नीचे की तरफ आप लोग आएंगे तो यहाँ पे स्नातक के बारे में दे रखा है, आप लोग अच्छे से यहाँ पे रीड आउट कर लेंगे, ठीक है। हम टेलीग्राम के टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। हम टेलीग्राम में जो है PDF कोड जो है उसमें शेयर कर देंगे, ठीक है। आयु सीमा यहाँ पे दे रखा है 9/1/2023 से आप सभी को
जो है 28 साल हो जाने चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, नीचे की तरफ आप लोग आएंगे तो यहाँ पे SC ST के लिए यहाँ पे जो भी गवर्नमेंट रूल के अनुसार छूट मिलता है और OBC कैंडिडेट का, वो लोग यहाँ पे अपना देख सकते हैं, ठीक है। आरक्षण यहाँ पे दिए जाएंगे था कोटी के लिए दिया गया, आवेदन की विधि यहाँ पे दे रखा है, आप लोग यहाँ पे अच्छे से रीड आउट कर लेंगे, ठीक है। नीचे की तरफ आप लोग आएंगे तो यहाँ पे फ्रेंड्स जो है आवेदन शुल्क के बारे में समझा रखा है, जो कि आप सभी देख सकते हैं 100 रुपये आवेदन शुल्क यहाँ पे रखा गया है, ठीक है। उसके बाद आप सभी को यहाँ पे नीचे की तरफ पे स्क्रॉल करेंगे, टोटल 15 पेज में है फ्रेंड्स। नीचे की तरफ आप लोग जो है स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आवेदन शुल्क भुगतान की प्रक्रिया, आप सभी को किस माध्यम से जो है अपना चालान कटवाना है, तो यहाँ पे नेट बैंकिंग दे रखा है, आप लोग देख सकते हैं भारतीय स्टेट बैंक, नेट बैंकिंग, अन्य बैंक, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ठीक है, आप लोग यहाँ से जो है कर सकते हैं। ऑफलाइन तरीका भी यहाँ पे ऑफलाइन मोड भी दिया गया है, कैसे आप सभी को करना होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप सभी को यदि जो है चयन प्रक्रिया की यदि हम बात कर ले, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं चयन प्रक्रिया में आप सभी को लिखित परीक्षा अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, गुवाहाटी, हैदराबाद, कोलकाता, नई दिल्ली और तिरुवनंतपुरम जैसे 11 स्थानों में आयोजित की जाएगी। हालांकि संगठन के पास लिखित परीक्षा स्थल को रद्द करने, बदलने और अभ्यर्थियों को कोई अन्य परीक्षा स्थल को पुनः आवंटन का अधिकार सुरक्षित है। अभ्यर्थियों को पंजीकृत ईमेल ID पर लिखित परीक्षा के लिए बुलाव पत्र भेजे जाएंगे, ठीक है। तो उन लोगों के पास जो है कुल 11 संस्थान है, वहाँ से वो जो है अपना एग्जाम आप सभी को करवा सकते हैं और उसमें चेंज भी कर बदलाव भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में दे रखा है, आप लोग रिटन टेस्ट विल बी कंडक्टेड यहाँ पे देख सकते हैं आप सभी, ठीक है। लिखित परीक्षा आप सभी को 120 मिनट का होने वाला है, जो कि आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे हड़ताल दे रखा गया है, ठीक है, कि आप लोग का जो है क्वालिफाइंग मार्क्स कितना है, ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद आप सभी को स्किल टेस्ट में लिखित परीक्षा निष्पादन के आधार पर यहाँ पे किया जाएगा, नहीं तो मैं यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। और कौशल परीक्षा, कंप्यूटर सहायता परीक्षा, यहाँ पे पाठ्यक्रम के बारे में समझा रहा है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। नीचे की तरफ आप लोग आएंगे तो यहाँ पे फ्रेंड्स आप सभी को देखने को मिल जाएगा यहाँ पे प्राप्तांक के बारे में, ठीक है। तो आप सभी को यहाँ पे शक्ति क्षमता प्राप्तांक जन्म तिथि ज़्यादा वाले अभ्यर्थियों को ऊपर रखते हुए, ठीक है, यहाँ पे जिनका जो है एज ज़्यादा है उनको यहाँ पे वरीयता ज़्यादा दिया जाएगा। वेतन भत्ते के बारे में दे रखा है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। अलाउंस आप सभी को यहाँ पे 25,500 बेसिक पे रहेगा। इसके अलावा आप सभी को बहुत सारे अलाउंस देखने को मिल जाएगा, जो कि आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं, डीएनएल जो कि महंगाई बता हाउस रेंट अलाउंस आप सभी को HRA मिलेगा, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ठीक है, यहाँ पे बहुत ही अच्छी आप सभी को फैसिलिटी देखने को मिल जाएगी, जो भी एक गवर्नमेंट इंप्लॉई को मिलती है, ठीक है। उसके बाद नीचे की तरफ आप लोग आएंगे तो यहाँ पे अस्थाई के बारे में देखें, पद अस्थाई है परंतु जारी रहने की संभावना है, ठीक है। यहाँ पे पद को अस्थाई बोला गया है, बट यहाँ पे आप सभी को जारी रहने की संभावना है, परमानेंट हो सकता है, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से एक बार अपने जो है नोटिफिकेशन को रीड आउट अच्छे से कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप सभी को फॉर्म को अप्लाई करने के लिए इस वेबसाइट पर जो है लॉग इन होना होगा। तो यहाँ पे ऑनलाइन पंजीकरण के प्रारंभ होने की तिथि 20/12/2022 से यहाँ पे दिया गया है, अंतिम तिथि 9/1/2023 तक है और भुगतान की अंतिम तिथि 11/1/2023 तक है। तो फाइनली आप लोग यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से जरूर कर दीजिएगा, और यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स जय हिंद।